हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, बीए बीकॉम की बात तो हर कोई करता है, तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट जो एसओएल से पीजी कोर्स कर रहे हैं, यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। यानी मैं आज बात कर रहा हूँ एमए एमकॉम और एमबीए के ऐसे स्टूडेंट जो एसओएल से सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में फ़िलहाल है। तो काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर आप पीजी के बारे में कुछ नहीं बताते, पीजी के लिए भी एक वीडियो बना दीजिए। एक्चुअली होता ही है कि पीजी के बारे में जो एसओएल के पास जानकारी काफ़ी कम होती है और काफ़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पीजी के लिए शेयर की जाती है, जबकि अंडर ग्रेजुएट के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है काफ़ी ज़्यादा शेयर की जाती है। फिर भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 19-20 रहता है, जिस दिन अंडर ग्रेजुएट के इंटरनल असेसमेंट या एग्ज़ाम होते हैं उससे एक से डेढ़ हफ्ते बाद ही पीजी के भी शुरू हो जाते हैं। उसके बावजूद भी जो एसओएल ने जो एकेडमिक कैलेंडर है पीजी का वो निकाल दिया है। आप देख सकते हो 1 अप्रैल 2024 का ये एकेडमिक कैलेंडर है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट का, यानी पीजी का सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का। ठीक है, एकेडमिक ईयर है आपका 2023-24 के लिए। आप ध्यान से देखिए आपका कैसे क्या है। अगर आप एमए हिंदी के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपकी जो क्लासेस है, जो एकेडमिक काउंसलिंग सेशन है, वो 18 फरवरी से चालू हो चुकी है और ये 12 मई तक आपकी चलेंगी। मई बात की जाए, आपका कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन रिवीजन भी कराया जाएगा, जो कि 13 मई से 18 मई तक आपका रहेगा। नहीं, रिवीजन आपको दिया जाएगा, जो भी क्लासेस हैं क्लासेस आपकी ऑफलाइन हो रही होंगी। ठीक है, बात कर लेते हैं आपका इंटरनल असेसमेंट। तो आपके जो इंटरनल असेसमेंट है वो 13 मई से शुरू होंगे और 23 मई तक आपके चलेंगे। और बात की जाए जो आपके एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम आपके 24 मई से शुरू होंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन ब्रांच की जो डेट्स है रिलीज हो चुकी है, आपके एग्ज़ाम 24 मई से शुरू होंगे एमए हिंदी के। मई सबका सेम है। मई अब बात की जाए आपके एमए संस्कृत की, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके जो इंटरनल असेसमेंट है वो 13 मई से 3 मई तक चलेंगे, यानी अगले महीने आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे। और 24 मई के सबके एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की डेट शीट उन्होंने बताई है। एमए पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो आपके भी इंटरनल असेसमेंट आपके 13 से 18 मई के बीच में होंगे। ठीक है, आप अगर आप एमए हिस्ट्री सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो सेम सबकी डेट सेम है, आप देख सकते हो। अगर आप एमबीए के स्टूडेंट हो तो भी आपकी डेट सेम है, 13 मई यानी अगले महीने से आपके एग्ज़ाम इंटरनल असेसमेंट शुरू होंगे और एग्ज़ाम 24 मई है सबकी पीजी के लिए। ठीक है, मैं अगर आप बिलिस मिलिस जो कि नया कोर्स है, पिछले साल ही से शुरू किया गया, पीजी डिप्लोमा है, तो इनके भी जो आपके एडमिशन है वो आपके 4 फरवरी से आप 5 मई तक क्लासेस चल रही है और 6 मई से इनके इंटरनल असेसमेंट शुरू होंगे, 10 मई तक चलेंगे। मई मिलिस की बात की जाए 6 से 10 मई तक इसका भी रहेगा। ठीक है, रिवीजन और इंटरनल असेसमेंट इनके 11 से 23 मई तक चलेंगे। ठीक है, और इनके भी एग्ज़ाम आपके 24 मई से। तो ये पूरा एकेडमिक कैलेंडर मैंने आपको दिखा दिया पीजी के लिए। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। थैंक यू।